37वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में लोगों की रोजाना भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ मौजूद अलग अलग राज्यों के पवेलियंस में स्टार्टअप इंडिया से लेकर पारंपरिक सामानों की धूम भी दिखाई दे रही है। खासकर गुजरात के पवेलियन में लगी साड़ी और शॉल के स्टॉल लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। यूं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवम्बर तक चलने वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर बार लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन इस बार यहाँ का मिजाज कुछ अलग है। यहाँ स्टार्टअप इंडिया की धूम दिखाई दे रही है, तो वहीं पारंपरिक परिधानें भी लोगों को खूब भा रही हैं। आज हम आपको एक बार फिर इसी मेले में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे अलग अलग पवेलियंस का रंगीला अंदाज। ट्रेड फेयर की बात की जाए तो ट्रेड फेयर का इंतजार लोग साल भर करते हैं और इस ट्रेड फेयर में हर साल कुछ अलग कुछ खास देखने को मिलता है और हर साल यहाँ पे भारत के अन्य राज्यों जैसे कि आसाम, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों के यहाँ पे पवेलियन होते हैं। तो आइए आपको भारत की सांस्कृतिक विविधताओं से रूबरू करवाते हैं। 37वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हम आपको सबसे पहले गुजरात पवेलियन लिए चलते हैं। एक तरफ जहां गुजरात के विधानसभा चुनाव ने देश का मिजाज सियासी कर दिया है, वहीं गुजरात स्टॉल पर लगे पारंपरिक कपड़ों को महज देख भर कर ही आप इन सर्दियों में गर्माहट महसूस करने लगेंगे। सबसे पहले हम आपको इस स्टॉल पर मिल रहे रंग बिरंगे शॉल से रूबरू करवाते हैं। ये शॉल दिखने में जितने चटकदार हैं उतने ही इन शॉलों के अंदर गर्मी भी है। भारत की खूबसूरती है यहाँ का परंपरागत हस्तशिल्प और यहाँ की विविधता। अभी मैं आ गई हूँ गुजरात के एक स्टॉल में जहाँ पे खास तरीके की हाथ से बनी हुई शॉलें मिलती हैं और ये सारी ही शॉलें हाथ से बनी हैं। इस पर जो काम किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, ये भी खास तौर पर हाथ से किया जाता है और ये सारा जितने भी शॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जितना भी कलेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये खास तौर पर गुजरात से बनकर यहाँ पर आया है। इन शॉलों को बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे इसमें रंग भरना हो या फिर कढ़ाई का काम। हर काम को बारीकी से करना पड़ता है और इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है। डाई बनता है, हाथ से बनता है, पूरा हाथ से ये बुनाई बनता है, उसके बाद ये मिरर लगाते हैं हम। और जैसे इस तरीके की जो कढ़ाई होती है, ये कढ़ाई होता है वाकिया बोलता है, वाकिया डिजाइन, क्या होता है वाकिया वा डिजाइन, ये चौमक बोलता है, ये डुंगला बोलता है, सब अलग अलग डिजाइन हाथ की बनती है। कच्छ की नाम है, कच्छ के डिजाइन का नाम है। तो कच्छ से ही आता है ये सारा? कच्छ से आते हैं ये, फिर ये हाथ से बनता है, ये एम्ब्रॉयडरी लगा दिया है। इन सर्दियों में भले ही आपको शॉल की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन गुजराती साड़ियों के बिना आपका सफर अधूरा होगा। यहाँ रंग बिरंगी साड़ियाँ भी लोगों को खूब भा रही हैं। इन साड़ियों पर हाथों से इस तरह से कारीगरी की गई है कि आप बरबसी इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। खासकर बांधनी साड़ी की खूब डिमांड दिख रही है। सर, इसके साथ साथ और कौन से काम हैं जो कि खास तौर पे गुजरात में किया जाता है? बांधनी बंदेज वाला है ये, फर्स्ट ये टाइन डाई या कच्छ के बंदेज फेमस है बहुत। सर, इसको बांधनी क्यों कहते हैं? बांधनी ये बंदा जो है ना, इसकी ये बांधनी बोलते हैं, इसके डाई बंदेज, इसके बाद भी मिरर लगाते हैं हम, हमारे औरतों लगाती है। अच्छा, तो किया इसको बांधनी कहते हैं। इसमें इसमें पहले कुछ बांध दिया जाता है, बिंदी बांध के, ऐसे ये बिंदी बांध के बांध देते हैं, मतलब इसके बाद डाई कलर होता है, तीन बार कलर होता है, फिरोजी होता है, वाइट होता है, ब्लू होता है, तीनों। हालांकि इन शॉलों और साड़ियों की कीमतें जरूर ज्यादा हैं, लेकिन ग्राहकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन शॉलों और साड़ियों के दीवाने हैं उनकी नज़र और कहीं नहीं जाती। तो बांधनी एवरग्रीन होती है, इसका फैशन कभी भी आउट नहीं होता। तो गुजराती शॉलें, गुजराती साड़ियाँ सभी बहुत सुंदर होती हैं। तो आप इसीलिए आए हैं यहाँ पे खास तौर पर? हाँ नहीं, गुजराती भी और भी देखने के लिए आए, बट ये अट्रैक्शन होता है गुजराती चीज़ों में, आउट ऑफ फैशन नहीं होता कभी भी, हमेशा रहती हैं ये चीज़ें। मैं इस्तेमाल, हाँ हाँ, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, अच्छी रहती हैं ये शॉल भी, साड़ियाँ भी, सब एवरग्रीन रहती हैं। जैसे आउटडेटेड हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, पर ये ऐसा है कि आज खरीदे तो हमेशा चलेगी ये चीज़। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए ही खास इंतजाम है, बल्कि बच्चों के लिए भी खास स्टॉल लगा हुआ है जहाँ एक से बढ़कर एक खिलौने आपको मिल जाएंगे। चाहे बच्चों के लिए रैटल हो या फिर लड्डू, यहाँ आकर आप हर तरह के खिलौनों की खरीदारी कर सकते हैं। इन खिलौनों में इस तरह से रंग भरा गया है कि आपके बच्चे भी इसे खूब पसंद करेंगे। ये जो खिलौने होते हैं ये खास तरीके से, खास तौर पे लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसमें आइवरी, सैंडलवुड और रोज़वुड का इस्तेमाल किया जाता है और 350 साल से भी ज़्यादा पुराना परंपरागत हस्तशिल्प है ये। और हालांकि समय के साथ चीज़ें थोड़ी बदली हैं, अब अलग लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई खास रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप भी 37वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आने की सोच रहे हैं तो यहाँ आकर आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी जमकर खरीदारी कर सकते हैं। उत्तराखंड का रंगोली का पिछौड़ा हो, त्रिपुरा का बांस से बना हुआ सामान या फिर गुजरात की बांधनी शॉल या दुपट्टा, ट्रेड फेयर में एक छत के नीचे हमें भारत के अन्य राज्यों की एक झलक देखने को मिलती है। और इससे एक बात तो साफ है कि भारत में कला की और कलाकारों की कमी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। उधर त्रिपुरा का पवेलियन भी लोगों को खूब रास आ रहा है। यहाँ बांस की लकड़ियों के बने सामानों की खूब बिक्री हो रही है। त्रिपुरा के पवेलियन में क्या कुछ है खास, बता रही है न्यूज नेशन संवाददाता सरगम पंत। अगर आप असल मायने में मनमोहक का मतलब जानना चाहते हैं तो आप त्रिपुरा के पवेलियन आ जाइए। यहाँ पे आपको बांस से बना हुआ जबरदस्त साधो सामान मिलेगा और ये सारा ही सामान बांस का बना हुआ है। चाहे ये टेबल ले लीजिए, कुर्सियाँ हैं, टोकरियाँ हैं, ये सब बांस का बना हुआ है। और अगर आप ये अपने घर पर रखेंगे तो ये आपके घर की रौनक को तो बढ़ाएगा, आपके घर की शोभा को भी बढ़ा देगा। और अगर आप आसपास देखेंगे तो इस त्रिपुरा के पवेलियन में सब कुछ बांस का बना हुआ है। घर पे सजाने के लिए लैम्प्स हैं, बैग्स हैं, पेंटिंग्स हैं और इस तरीके की कटोरियाँ भी यहाँ पे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कटोरियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसका दाम कितना है? ये पूरा सेट का है 800 रुपीस। 800 का है ये? और ये बनाया कैसे जाता है? बेम्बू से बनाया जाता है, बेम्बू काट के स्ट्रिप्स निकल के पेस्टिंग किया जाता है। पर अगर इसमें खाना खाएंगे तो इसके ऊपर तो शायद से लैकर भी लगा हुआ है। ये पॉलिश है, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज़ कर सकते हैं पूरा। इसके अलावा सर यहाँ पे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, पर इस बार क्या बिक रहा है, क्या खास है? खास जो ये मग है वो बिक रहा है, अभी ज़्यादा बिक रहा है। और ये पीकॉक भी है, ये पीकॉक ऐसे घर पे सजाने के लिए, घर पे सजाने के लिए अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और कुछ ये डोर कार्टून है, ये सब ये क्या है? डोर कर्टन, पर्दा। अच्छा, ये पूरा सेट है 26 पीस का। और ये भी है, चल रहा है अभी तक। साथ ही खास तरीके के मुझे यहाँ पे मूर्तियाँ भी नजर आ रही हैं कि ये भी बांस से बनी। हाँ, ये बेम्बू रूट से बनी हुई है। इसकी जड़ से बनी है बांस? हाँ, इसके जड़ से बने, ये हैंडमेड है, पूरा हैंड से कर्विंग किया हुआ है। घर को सजाने के लिए जो कुछ भी आप खरीदते हैं वो सब अगर आप बांस का खरीदेंगे लंबे समय तक आपके काम आएगा और यूनिक तो ये लगेगा ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको महाराष्ट्र के पवेलियन ले चलते हैं जहां स्टार्टअप इंडिया की खास झलक दिख रही है। यहां के एंट्री गेट से आपको इसका एहसास होने लगेगा। महाराष्ट्र पवेलियन का एंट्रेंस है देश का पहला इंडिग्नस कमर्शियल एयरक्राफ्ट का रेप्लिका, जिसे कि एंट्रेंस पॉइंट बनाया गया है, जिसे कि एंट्रेंस गेटवे बनाया गया है महाराष्ट्र पवेलियन का। और इस महाराष्ट्र पवेलियन का जो एयरक्राफ्ट रेप्लिका जो कि एंट्रेंस सेक्शन बनाया गया है, उसी में ही महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की खूबसूरती भी शोकेस की गई है कि आखिरकार महाराष्ट्र जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है। और ये पहला इंडिग्नस, देश का पहला इंडिग्नस कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाया है कांदीवली के कैप्टन अमोल यादव ने, और सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है उन्हें। और इसलिए इस बार महाराष्ट्र पवेलियन का जो थीम है स्टार्टअप स्टैंडअप के तहत बिल्कुल भी बखूबी उसको डिज़ाइन किया गया है और इस चीज़ से बिल्कुल फिट बैठता है जिस तरह से नई नई चीज़ें इस बार शोकेस की गई है महाराष्ट्र पवेलियन में। कैप्टन अमोल यादव के भाई प्रशांत यादव हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, कितना प्राउड है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो पवेलियन है उसका एंट्रेंस ही एयरक्राफ्ट का रेप्लिका रखा गया है? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। कैप्टन अमोल की 17 साल की मेहनत है ये कि हम भारत का पहला इंडिजिनियस हवाई जहाज़ बना पाए। ये हवाई जहाज़ पूरी तरह से बॉम्बे में, इंडिया में बना है। इसमें जो इंजन लगा है ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, उसके अलावा सब जो चीज़ें हैं ये हमने इंडिया में खुद डिज़ाइन की है। हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है टीम की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। और हमें, हमारा आगे का विजन ये है कि महाराष्ट्र में जो 31 एयरपोर्ट्स है जिसमें से सिर्फ 4 कनेक्टेड है, बाकी जो 27-28 एयरपोर्ट्स है उसमें कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो छोटे साइज़ की हवाई जहाज़ है, 6 सीटर और 19 सीटर जो एयरक्राफ्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे हम पूरे महाराष्ट्र को कनेक्ट कर सकते हैं। जो रीजनल कनेक्टिविटी की हमारी उड़ान स्कीम है उसके लिए हमारा 19 सीटर एयरक्राफ्ट
बेस्ट सूटेड है। 6 साल लग गया हमें डिजाइन करने में। 6 साल लग गया देश के पहला इंडिग्नस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को बनाने में, जिसका रेप्लिका यहाँ पे शोकेस किया गया है। और महाराष्ट्र पवीलियन भारत सरकार की थीम स्टार्टअप स्टैंडअप पे बखूबी फिट होता हुआ और बखूबी सभी चीज़ों को शोकेस करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नजर आ रहा है। दिल्ली से विजिल्स राकेश रावत के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन।